हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होती क्या है, स्लैब क्या होती है, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया, कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको जो है वन वे स्लैब की डिजाइन बताऊंगी। तो वन वे स्लैब की डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम वन वे स्लैब को डिजाइन करेंगे। आई होप आप लोग को बहुत क्लियर होगा। तो वन वे स्लैब की डिजाइन के लिए मैंने न्यूमेरिकल जो लिया है उसमें आपको दिया है इफेक्टिव स्पान, सॉरी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब है। इसमें क्लियर स्पान आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर का। विड्थ ऑफ बीम, ये जो स्लैब है जिस बीम पे सपोर्टेड है उसकी विड्थ दी हुई है 230 mm की। लाइव लोड दिया हुआ है 5 kN/m² का। FCK 20, FY 415 Nm², मतलब ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको गिवन है। डेप्थ ऑफ स्लैब आपको निकालनी है। सबसे पहले जब भी हम कोई डिजाइन कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ये पता करना है कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसमें क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या है। तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में हमें यहाँ पर डेप्थ पता करनी है क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो अवेलेबल है। तो हमने LX/D का रेशियो लिया 25, तो यहाँ से हम डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि स्पान हमें गिवन था, स्पान हमें 2500 का गिवन था। तो यहाँ से LY/D हमने 25 का लेते हुए स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर ली 100 mm की। हम जानते हैं ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस D', तो D+D' करके हमने ओवरऑल डेप्थ निकाली। D' यहाँ पर हमें निकालना है 20 + ½ ऑफ द डाया ऑफ बार, तो 20 हमारे पास जो है वो नॉमिनल डायामीटर नॉमिनल कवर है। तो यहाँ से हमने ओवरऑल डी 125 mm फाइंड आउट कर लिया। हम कोई भी स्लैब जो है वो डिजाइन करते हैं पर मीटर विड्थ के लिए, तो हमने 1 मीटर विड्थ कैलकुलेट कर ली। इसके बाद इफेक्टिव स्पैन हमको पता करना है क्योंकि ये स्पैन हमें क्या दिया हुआ था, क्लियर दिया हुआ था। तो इस क्लियर स्पैन से हमको इफेक्टिव स्पैन पता करना है। तो इफेक्टिव स्पैन के लिए आपके कोड में पेज नंबर 34 पर परसेंटली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए जो इफेक्टिव स्पैन है वो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पैन प्लस सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विड्थ, इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी होती है वो हम हमारा इफेक्टिव स्पैन कंसिडर करते हैं। तो हमने LX+D हमने 100 mm किया था, तो मीटर में 0.1, और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट की विड्थ आपको दी हुई थी 250 क्योंकि ये बीम ये स्लैब जो है वो सपोर्टेड किस पे थी, बीम पे। तो बीम की जो सेंटर टू सेंटर सपोर्ट हो जाएगा 230, मतलब की 0.23 mm। तो ये यहाँ से हमने फाइंड आउट करिए दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी हमारी 2.6, तो हमने इफेक्टिव स्पैन कंसीडर कर लिया 2.6 मीटर का। लोड कैलकुलेशन करना है इसके बाद हमें कि जब हमने बीम के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए, इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट कर लिया, डेप्थ फाइंड आउट कर ली, तो आपको ये पता करना है कि इस स्लैब पे कितना लोड आ रहा है। तो स्लैब पे लोड जो आएगा वो इस पे लाइव लोड आएगा और इसका खुद का सेल्फ वेट होगा। तो हम सेल्फ वेट ऑफ स्लैब फाइंड आउट कर रहे हैं। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब हम फाइंड आउट करते हैं 25B × D से। बी हमारे पास 1 मीटर है, कैपिटल डी हमने 125 जो है वो फाइंड आउट किया, तो यहाँ से हमारे पास सेल्फ वेट आ गया। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में गिवन था 5 kN/m² का, 5 kN/m² पर मीटर स्क्वायर एरिया पे आपको लोड दिया हुआ है। तो आपको इसको UDL बनाना है और हम सारे कैलकुलेशन 1 मीटर के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर विड्थ किया। तो ये UDL लोड बन गया हमारा लाइव लोड। इसी तरह हमको इस स्लैब पे फिनिशेस भी लेने हैं क्योंकि क्या है, स्लैब पे हम हो सकता है प्लास्टरिंग कर रहे हैं, टाइलिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोड इंक्रीज होगा। तो वो हमने ले लिया 1 kN/m² का। आप सुटेबली 0.6 से 1 kN/m² तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया और इसको भी हमने UDL बना लिया 1 मीटर विड्थ का मल्टीप्लाई करते हुए। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल लोड आ गया। टोटल लोड को हमको बनाना है फैक्टर क्योंकि हमारा कोड बोलता है कि लाइव लोड और डेड लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेना है। तो इससे हमने फैक्टर लोड निकाल लिया। फैक्टर लोड की ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इस लोड की वजह से ही हमारी जो स्लैब है उसमें बेंडिंग जनरेट होगी। तो अब वो बेंडिंग पता करनी है और उस बेंडिंग को हमको रिमूव करना है थ्रू रिइंफोर्समेंट देके। तो हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारी स्लैब जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL² / 8 होता है। तो इस वैल्यू से हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज रखते हुए 11.57 kN/m का मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स सपोर्ट पे होगा WL/2। तो यहाँ से हमने शियर फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हमको ये पता करना है कि हमारे
स्लैब का सेक्शन कैसा है, ओवर अंडर या फिर बैलेंस सेक्शन क्या है, तो इसके लिए हमने मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। एमयू लिमिट की वैल्यू 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर होती है फॉर एफई 415 स्टील के लिए। तो वो हमने जब कैलकुलेट की वैल्यूज रखते हुए तो हमें मिली 27.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें बाय कंपेरिंग पता चला कि एमयू लिमिट इज ग्रेटर देन एमयू। जब एमयू लिमिट ग्रेटर है एमयू से, सेक्शन कैसा हो जाता है? अंडर रीइंफोर्स। और हमें यही चाहिए था, कोई भी डिजाइनर जो है वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। अब अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया है तो हम इसके लिए एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए आपको मोमेंट पता होना था, वो हमने पता कर लिया है। अब इसके आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने एनालिसिस करके ये पता कर लिया कि हमारी जो स्लैब है उसमें मैक्सिमम कितना मोमेंट आएगा और इस मोमेंट के लिए हमको कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग करेंगे।